हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत करता हूं दी अमेजिंग अंडमान के अमेजिंग सफर पे। दोस्तों, आज हम लोग रविंद्र के शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए हैं यहां संत थॉमस कैथलिक चर्च में, और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। और ये जो हमारा गाइड दूल्हा दुल्हन का गाड़ी है, यहां पे पहुंच चुका है इस वक्त, आप ठीक सामने में देखेंगे। और यहां पे हमारा मोहित भाई वीडियो शूट वगैरह कर रहे हैं, तो देखते हैं, चलिए। अभी यहाँ पे दूल्हा उतरने वाले हैं, ठीक सामने रविंदर उतरते हुए। और ये बहुत ही बड़ा यादगारी दिन, क्योंकि आज के बाद आप दोनों का जिंदगी बदलने वाला है। और ईश्वर आपके वैवाहिक जीवन पर अपनी प्रचुर आशीष बरसाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए ताकि आप दोनों जिंदगी भर एक साथ रह सके। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप दोनों लेने जा रहे हैं, और इसलिए प्रभु के सामने जाइए, प्रभु की देनी की ओर जाइए, और प्रभु की आशीष को आज भी एक वैवाहिक शादी के विशा प्रचार में आप लोग रहे। मैं आप दोनों का आज के शादी समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप दोनों को अपनी आशीष और सिद्धा देगा। Thank you.
लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोस्तों
दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने में विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हम तो मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, निर्जनता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्ग या नरक, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु के वाणी में आज वो दिन आ गया है कि रविंद्र
शादी कर रहा है। प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों या बहनों, अभी हम लोग रविंद्र और पूनम की शादी समारोह की विधि में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, जब शादी होती है ना, बीच बीच में लोग सोचते हैं ये ब्रेक है, ये ब्रेक नहीं है। सबों को बैठे रहना है और ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, मनन कीजिए और ईश्वर हम लोग रविंद्र के लिए और पूनम के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे रविंद्र और पूनम, आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूं। हे रविंद्र और पूनम, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने, कड़ाई दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त और कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इससे अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। आज से आज मिला के बोलना, अभी मैं पहले आप बोलेंगे ना, अब मैं तो बोलूँगा ना, तो मैं नजदीक हूँ और उधर देखने आशीष दे।
हे पूनम पिता पिता आप पुत्र आप पुत्र आप पुत्र आप पति आप माता के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का हे ईश्वर तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है, इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर। केवल वधु तेरी इच्छा और पुरुषों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। डालो टिकली डालो मांग में मत डालो। तो इस प्रकार से रविंदर और पूनम जिंदगी भर के लिए पति पत्नी बन गए हैं। आइए हम ताली मारते हुए जीवी तूने विवाह संस्कार द्वारा शरीर
प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। श्री भाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान्तर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे प्राणनंदन तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। इससे हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम जब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदर्श सर्वराज और सभी यात्रियों के साथ विश्व भर फैली अपनी कलीसिया की सुनिधि तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी सुनिधि जो पुनरुत्थान की आशा में प्रदोष गा चुके हैं, उन्हें आप सभी मित्रों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब प्रत्यादेश पिता कि अपने अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके व धन्यों से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ आरे प्रार्थना
विधान का प्रतीक बनाया जिसे तुमने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा प्रेम और कलीसिया का आदर्श प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने सेवक सेविका रविंदर और तुमन पर कृपा पूर्वक अपना रहना हाथ फैलाकर इनके हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। ये प्रभु विवाह संस्कार प्राप्त करके ये अध्यात्म के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये जीवन में तेरे प्रेम का आदान प्रदान करते रहे और तन मन से एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक करें। हे प्रभु इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो घर ये बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभाले। अपनी पुत्री पूनम नाग को अपनी आशीषों से अलंकृत कर ताकि अब पत्नी और माता का कर्तव्य भली भांति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक रविंद्र धनकों को स्वर्गीय आशीष देता रहे ताकि अयोग्य भला और विश्वासपति और दूरदर्शी पिता का कार्य भार योग्य रीति से संभाल सके। ये पवित्र पिता ये दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बंद कर तेरी बेटी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहती है। ऐसी कृपा कर कि ये एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रति भोज की सद्भागी होकर अनंत काल तक सुखी रहे। हमारे प्रभु तेरी दया से धरा पाते दूर
सामने यहाँ पे बधाई दिया जा रहा है दूल्हा और दुल्हन को, और यहाँ पे गाना भी कोयर्स ग्रुप गा रहे हैं, फादर सिस्टर लोग बधाई दे रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और नए शानदार वीडियो के साथ में, और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।